नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपन एंड वेलकम टू दीपन्स डेलिकेसी। आज का जो वीडियो रहेगा वो खास करके मेरे मुस्लिम भाई बहनों के लिए रहेगा जो लोग अभी रमजान में हैं। आज हम बनाने जाएंगे चिकन तहरी। तहरी बिरयानी का वेज वर्शन। पुराने जमाने में साउथ इंडिया का जितना भी नवाब हुआ करते थे, उनका जितना भी हिंदू मुनीम हुआ करते थे, वो लोग तहरी खाता था। अभी वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है और बदल गया तहरी का रेसिपी। अभी तहरी में बहुत सारे वेरिएशन आ गया, चाहे वो चिकन तहरी हो चाहे मटन तहरी हो। तो चलिए अभी चिकन तहरी बनाते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है ताकि दो जन खा पाए। अभी इसको मैरिनेट करने के लिए हमको 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालना, उसके बाद 1 मीडियम साइज ऑनियन और टमाटर को चॉप करके डालना है, उसके बाद हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली चॉप, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन को भी पकाने के लिए 3 टेबलस्पून के आसपास तेल डालना है हमको, रिफाइंड ऑयल। उसमें हमको अक्का गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में मैंने 3 इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी और 1 तेजपत्ता लिया है। तेल को गरम होने तक हम रोकेंगे और अच्छे से अक्का गरम मसाला को पकाएंगे। गरम मसाला अच्छे तरह से भुन जाने के बाद 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सारे मसाला डालने के बाद अच्छे से उसको भून लेना है। मीडियम फ्लेम में मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद 2 सूखा लाल मिर्च डाल देंगे। अभी इसमें हम 2 चॉप्ड ऑनियंस डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद हम उसमें 1 चॉप्ड टोमेटो डाल देंगे। नेक्स्ट हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये हम अभी ऐड किया ताकि राइस में एक अच्छा फ्लेवर आए और मसाला तेल छोड़ने तक पकाए। नेक्स्ट 2 चॉप्ड चिली डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें 2 आलू 4 हिस्सों में काट कर डाल देंगे। मसाले को तब तक पकाना है जब तक उसका रॉ स्मेल हट ना जाए। अभी जैसे कि मसाले अच्छे से पक गया तो हम इसमें अभी मैरिनेटेड चिकन को डाल देंगे और अच्छे से उसको भी पकाएंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि अपना चिकन पक रहा है, तो इसी टाइम पे हम लोगों को स्वाद अनुसार नमक देना है। हमें चिकन और आलू को 50% कुक होने तक पकाना है, तब हमको इसमें अपना राइस मिक्स करना है। 1 कप के आसपास मैंने बासमती राइस लिया। इसमें हमको इसमें 2 से 2.5 कप के आसपास पानी डालना है। क्योंकि हम लोगों ने बासमती दिया तो 2 व्हिसल तक इंतजार कीजिए। अभी 2 व्हिसल हो जाने के बाद तहरी हम लोगों का अच्छे से पक गया, चावल भी काफी अच्छे से पक गया। अभी चलिए
इसका प्लेटिंग करते हैं। तो बन गया आपका चिकन तहरी। तो जैसे ही बन जाए उसके बाद अगर आपको लगे तो आप उसमें हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऊपर से छिड़क सकते हो, और अगर आपके पास मीठा अतर है तो एक बूंद मीठा अतर का भी दे सकते हो ताकि आपको मुगलाई रसोई का खुशबू आए। तो सलामत रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।